गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए देखते हैं आज सब्जेक्ट मैथ्स के अंतर्गत जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, फॉर्मिंग विथ नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे इसके बाद रोमन नंबर्स, जो कि आपका यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। तो यहाँ राउंडिंग नंबर्स, तो राउंडिंग नंबर्स इसके बारे में आप पिछले क्लास में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो अवश्य मिली होगी, या आप पिछले क्लास की बात कुछ ना कुछ आपको ध्यान में होगा ही। लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसमें आपको क्या है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर पहले हम आपको बतावें तो आप क्या करते हैं, तो एक पेन ही आप लेते हैं जिसका कॉस्ट अगर क्या हो, 7 रुपीज़ हो, तो आप इसको क्या करते हैं कि आप अपने साथी लोग के बीच क्या करते हैं कि 2-3 रुपए जो है सो बढ़ा करके कह देते हैं। जैसे अगर यहाँ 3 रुपीज़ हम क्या करें, 3 रुपीज़ इसमें ऐड करते हुए बोलते हैं, तो ये कितना बोल देते हैं आप कि 10 रुपीज़ है। तो यहाँ इस तरह से ये 10 जो हो गया वो 7 का क्या हो गया, तो आपको राउंडिंग नंबर्स हो गया। लेकिन इससे पहले आप समझ ले कि इसका आपका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं। इट इज एन आइडिया अबाउट ए नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। दूसरे रूप में राउंडिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, तो एस्टिमेशन भी कहते हैं। तो यह क्या है, तो एक प्रकार का यह आइडिया है जो नंबर का क्या करते हैं, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए हम बता देते हैं कि क्या है कि इसका वैल्यू ये है। फॉर एग्जांपल के रूप में आपको जैसे हम यहाँ बता रहे थे कि पेन का कॉस्ट क्या है, 7 रुपीज़ है, तो आप क्या करते हैं उसको आप एस्टिमेशन करें, तो आप एस्टिमेटेड रूप में उसको क्या बोलते हैं, 10 रुपीज़ है। तो इस तरह से ये 10 क्या आ गया, राउंडिंग नंबर्स हो गया। अब देखना है कि आखिर इसमें किस किस प्लेस ऑफ डिजिट का जो है राउंडिंग नंबर्स हम निकालते हैं। तो टू राउंड ऑफ ए नंबर टू दी नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000, इट इज ए, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से इस प्लेस ऑफ डिजिट का आप क्या निकाल सकते हैं, टू नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10 लाख, ये सब आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दिए गए नंबर से। जिसमें आपको कुछ रूल्स है वो रूल्स हम बताएंगे, उस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है शॉर्ट में, और इसके आधार पर आपको आसानी से क्या है कि आप नियरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जिसमें हम फर्स्ट आपको बता रहे हैं क्या देखना है, राउंडिंग ऑफ टू डी नियरेस्ट 10, जिसमें क्या है, टू नियरेस्ट 10 जो निकालेंगे उसमें आप किस प्लेस ऑफ डिजिट को निकालेंगे, तो 10th प्लेस ऑफ डिजिट को का क्या करेंगे, नियरेस्ट करेंगे, इसमें क्या होगा 10th, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं क्या है, तो 53 ये आप नंबर लेते हैं, यहाँ यहाँ ये नंबर लेने को
लेने के बाद हम क्या देखते हैं, तो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो आपका क्या है, फाइव है, ये आपका वंस, ये टेंस। टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, फाइव है। अब इसका हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे या नियरेस्ट किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए रूल क्या है, तो उसको आप देख लें क्या होना चाहिए। जिस प्लेस ऑफ डिजिट का नियरेस्ट निकालना होगा, ठीक उसके बाद वाला डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, तो आपको 0, 1, 2, 3, 4 ये सब अगर डिजिट आ जाता है तो आने के बाद क्या होगा कि आपको टेंस प्लेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं नो चेंज, ठीक है। यानी टेंस प्लेस ऑफ डिजिट के ठीक बाद वाले डिजिट को देखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई डिजिट आ रहा है तो आपको चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, तो टेंस प्लेस ऑफ डिजिट। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ठीक इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 5 आपको चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों ये 5 बना हुआ रहेगा अपने पोजीशन पर। और ठीक इसके बाद वाला डिजिट क्या है, 3, तो 3 के बदले में हम यहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इस तरह से ये आपका एस्टिमेशन हो गया। ठीक सेकंड एग्जांपल में आपको हम बताते हैं, यहाँ हम जो नंबर ले रहे हैं वो नंबर क्या है, 67 है। इसमें भी हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस ही निकालना है। टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट, 6 है, 6 के बाद ठीक क्या रहा है, 7। तो आप देखिए 6 के बाद 7 आ रहा है, तो यहाँ क्या देखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 ये अगर डिजिट होगा तो आपको क्या होगा, इसमें से कोई डिजिट होगा तो उस स्थिति में यहाँ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा, तो नियर टेंस प्लेस ऑफ डिजिट चेंज हो जाएगा। अगर 100 प्लेस ऑफ डिजिट होगा तो 100 प्लेस ऑफ डिजिट चेंज होगा, 1000 प्लेस होगा तो 1000 प्लेस ऑफ डिजिट चेंज होगा। तो आखिर चेंज क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ आप देख रहे हैं 6 है, तो जिस प्लेस ऑफ डिजिट का निकालना होगा उस प्लेस पर क्या होगा, जो भी डिजिट होगा उसमें हम क्या करते हैं, तो 1 को ऐड कर लेते हैं। किस स्थिति में, जब चेंज होने वाला हो उस स्थिति में, तो 6, 1 ये क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो यहाँ जो हम रखेंगे ये 6 के पोजीशन पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक इसके बाद वाला डिजिट क्या है, 7, तो 7 के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 70 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, 589। अब देखिए इसमें भी आपको क्या है, तो टेंस प्लेस ऑफ डिजिट ही निकालना है, नियरेस्ट टेंस ही निकालना है, जिसमें 8 है, 8 टेंस प्लेस पर है, और ठीक इसके बाद वाला डिजिट क्या है, आपको 9 है। तो 9 है तो क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट आ रहा है, तो आपको क्या होगा, ये 8 जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो क्या होगा, ये 8 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या होगा, 9। ठीक इससे पहले, टेंस प्लेस से पहले जितना भी डिजिट होगा उस डिजिट को हम उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे। जैसा कि यहाँ तो 5 है तो 5 लिख दिए, अगर इससे पहले भी और भी डिजिट होता तो वो डिजिट को जैसे है उसी तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए कि ये 8 जो है, 8 के बदले में हम क्या लिख दिए, 9। ठीक 8 के बाद कौन सा डिजिट था, 9।
तो 9 का क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से 589 का एस्टिमेटेड क्या हो गया, 590। मुख्य रूप से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 0, 1, 2, 3, 4 रहेगा तो आपको चेंज नहीं होगा, और 5, 6, 7, 8 रहेगा, 8 और 9 रहेगा तो आपको क्या होगा, इसमें से कोई भी डिजिट रहेगा तो वो आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नियरेस्ट 100 के लिए। तो नियरेस्ट 100 के लिए क्या होगा, आप इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो 100 प्लेस के लिए क्या होगा, क्या देख रहे हैं, नियरेस्ट 100 निकालना होगा। तो इसमें आपको हंड्रेड प्लेस के लिए निकालना होगा, तो इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ 100 प्लेस ऑफ डिजिट को देखेंगे, किसको देखना होगा, 100 प्लेस ऑफ डिजिट। इसी तरह जब आपको 1000 प्लेस का निकालना रहेगा तो आप क्या देखेंगे, 1000 प्लेस ऑफ डिजिट को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, 9768। तो यहाँ वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पर क्या है, 7 के ठीक आगे आने वाला डिजिट कौन सा है, 6, जो कि क्या है, 5 से ग्रेटर 6 है ना। तो ये आपको क्या होगा, 100 प्लेस ऑफ डिजिट चेंज हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, 8, और इससे पहले क्या है, 9, तो 9 लिखेंगे, ये 7 का 8। अब यहाँ देखिए ये आपको 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट के बदले में क्या आ जाएगा, 2 0 लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसका एस्टिमेटेड हो गया। अब आपको क्या रहेगा, राउंडिंग ऑफ टू डे नियरेस्ट 1000। ठीक है, तो 1000 जब रहेगा तो हम क्या देखेंगे, 1000 प्लेस ऑफ डिजिट को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3697। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1000 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 3 के ठीक बाद का डिजिट क्या है, 6 है। तो क्या ये चेंज होगा, 3 चेंज होगा, क्योंकि आपको हम क्या बताए हैं कि 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कोई भी डिजिट आपको होगा तो आपको क्या होगा, वो प्लेस ऑफ डिजिट चेंज हो जाएगा। तो 3 का क्या लिखेंगे हम, 4, इससे पहले क्या कोई डिजिट है, नहीं है, तो 3 का क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ कितना डिजिट हो गया, इसके बाद रेस्ट कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 0 हम यहाँ डाल देंगे। ये आपका हो गया क्या, राउंडिंग ऑफ टू डी नियरेस्ट 1000, या इसको एस्टिमेटेड बोल सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपको क्या रह सकता है, तो आपको यहाँ रह सकता है, अगले क्लास में अगर देखते हैं तो इसमें आपको क्या रहेगा, ऐड करना रहेगा, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। अब अगला जो आपका आ रहा है वो क्या है, तो फॉर्मिंग विथ नंबर्स, इसमें आप क्या देखेंगे, तो आपको जो डिजिट्स दिया हुआ रहेगा वो डिजिट को क्या करना है, उसी डिजिट से आपको क्या बनाना है, तो नंबर्स बनाना रहेगा, जिसमें आपको सिंपल नंबर पूछा जाए, या आपको क्या रहेगा कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना रहेगा।
ठीक है, तो 5 डिजिट हो या 5 मोर देन डिजिट हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बनाने के लिए हम कुछ रूल्स है, उस रूल्स का हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ आपको डिजिट्स दिया हुआ है और इधर आपको क्या है, स्मॉलर नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना रहेगा इस डिजिट से, ठीक है। तो डिजिट्स के तौर पर क्या लेंगे, तो 0, 2, 3, 8, 1 ये आपका कितना डिजिट है, तो 5 डिजिट है। तो देखिए स्मॉलर नंबर जब बनाना होगा तो डिजिट को हम किस ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना रहेगा तो डिजिट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। लेकिन स्मॉलर नंबर बनाने के लिए ध्यान रखना है कि आपको दिए गए डिजिट्स में क्या हो, अगर 0 हो तो 0 को कहाँ रखेंगे, अगर 0 को आप शुरुआत में ही रखते हैं तो आपको क्या होगा, जो डिजिट्स 5 डिजिट्स का कहा जाए या 6 डिजिट का कहा जाए वो नंबर आपको 5 या 6 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए क्या ध्यान में रखना है, तो 0 से ठीक ग्रेटर डिजिट क्या है, 2। तो 2 को कहाँ रखेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, इसके बाद हम सेकंड पोजीशन पर क्या रखेंगे, 0 को। अब देखिए ठीक 0 और 2 को तो लिख दिए, तो सेकंड पोजीशन पर क्या रखे, 0। अब ठीक देखिए 2 से ग्रेटर क्या है, 3। सॉरी यहाँ आपको क्या था कि आपको 1 था जो कि इसमें 0 से ठीक ग्रेटर आपको क्या था, 1। तो हम 1 को रखेंगे पहले। अब सेकंड पोजीशन पर क्या रख रहे हैं, 0, ठीक है। अब देखिए 1 से ठीक ग्रेटर क्या आ रहा है, 2। 2 से ग्रेटर 3, 3 से ग्रेटर 8। इस तरह से डिजिट को अरेंज कर दिए तो ये आपका बन गया क्या चीज, स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे, बीगर यूनिट को यहाँ लिखिए। बीगर यूनिट में क्या है, 8। 8 से ठीक स्मॉलर 3, 3 से स्मॉलर 2, 2 से स्मॉलर 1 और 1 से स्मॉलर 0। तो ये बन गया क्या चीज, ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग अक्सर क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि आपको जो डिजिट्स दिया हुआ है उसमें तो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि सभी डिजिट में स्मॉलर नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर जो बनाते हैं उसमें आप कॉमा लगा देते हैं इस तरह से। तो ये आप अगर इस तरह से कॉमा को लगाते हैं तो वो आपका फिर क्या बन जाएगा, डिजिट बन जाएगा, वो नंबर के रूप में नहीं रहेगा। तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो पीरियड्स का ध्यान रखना होगा, उस पीरियड्स के अनुसार ही कॉमा को लगाएंगे। जैसे वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस पीरियड में क्या आता है आपको, वंस टेंस हंड्रेड आता है, तो कॉमा कहाँ लगेगा, हंड्रेड के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ कॉमा होगा, आप सभी डिजिट में कॉमा को नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आपको क्या है कि हम यहाँ और भी डिजिट्स को लेकर के बताते हैं, ये आपका डिजिट्स है, आपको इससे नंबर बनाना है। तो देखिए आप पुनः यहाँ 0 आ रहा है स्मॉलर नंबर बनाने के लिए,
जीरो से ठीक ग्रेटर क्या है, टू, टू टू लिख दिए और जीरो, ठीक टू से ग्रेटर क्या है, सिक्स, सिक्स से ग्रेटर सेवन, सेवन से ग्रेटर एट, एट से ग्रेटर नाइन। देखिए ये क्या हो गया आपका, सिक्स डिजिट का नंबर हो गया। कितने डिजिट का नंबर हो गया, सिक्स डिजिट का। अब ग्रेटेस्ट नंबर तो बनाने में बिल्कुल ईजी है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देंगे। दीजिए 9 8 7 6 6 2 0, इस तरह से ये बन गया क्या चीज, ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ देखिए वंस टेंस हंड्रेड, वंस ये सॉरी थाउजेंड टेन थाउजेंड, फिर यहाँ कॉमा देंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये आपका क्या है, लाख है। तो इस तरह से आप स्मॉलर और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट जो है यूनिट आपका एंड हो रहा है, आप बुक से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रोमन नॉमरल्स। थैंक यू।